नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2020 में जूनियर इंजीनियर मतलब जेई की तैयारी कैसे करें और जेई कैसे बने 2020 में। ये क्वेश्चंस हर पॉलिटेक्निक होल्डर, हर डिप्लोमा होल्डर, हर बंदे के जुबान पे होता है कि मैं जेई बनना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार हो जाते हैं जल्दी, कुछ लोगों के सपने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अपने आइडियाज, कुछ अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये आइडियाज, ये थॉट्स अगर इम्प्लीमेंट आप करोगे 100 नहीं 200% काम करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आए जिनका मैंने काउंसलिंग किया हुआ है। मैं बता दूं कि एज ए काउंसलर भी मैं काम करता हूं, कि अगर करियर बिल्डअप में आपको काउंसलिंग की जरूरत हो ऑब्वियसली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपनी पोर्टल्स पे भी लेकर के आऊंगा ये सब सारी चीजें। तो वो स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे, तो उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स थे और वो जानना चाहते थे कि सर 2020 में जेई की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोग के साथ बनाया जाए। देखो, अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने जब जा रहे हो ना, तो मैं हमेशा यही कहता हूं जो आपका बेसिक होता है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडा, जैसे जो आप पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो माइक्रोप्रोसेसर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल से रिलेटेड हो, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं होता किस सेक्शन से पूछ लिया जाए और कितना ज्यादा पूछ लिया जाए, क्योंकि देखते हो आप किसी पेपर में किसी सेक्शन से 50% एक ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बाकी बुक्स के आते ही नहीं है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आप हमेशा क्रैक कर ले जाओगे। उसके अलावा देखो, ये तो बेसिक फंडा हो गए, जो बुक्स की बात हो गई। उसके अलावा आते हैं कि जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनको आप रेगुलर स्टडी करते रहे, जिससे आपका जीके जो है, जनरल अवेयरनेस जो है होता है, और वो सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि करंट अफेयर्स क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम, सारे स्टूडेंट के लिए एक टफ टास्क होता है। मैं सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते सर करंट अफेयर्स के बारे में बताओ, करंट अफेयर्स के बारे में। चैनल पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, वरना मैं भी करंट अफेयर्स बना देता आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं करंट अफेयर्स को, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, वहां से आप करंट अफेयर्स जरूर सीखें। करंट अफेयर में वही आपको रेगुलर इंटरनेट के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू ही यूज करें यार, इंटरनेट के थ्रू आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाती है एक्सेप्ट न्यूज़पेपर के अलावा। तो वहां पे अब दुनिया डिजिटली हो गई, अपने घर बैठे, गांव में बैठे, कहीं भी बैठे आप तैयारी कर सकते हो इसलिए। उसके अलावा आता अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर ब्रह्मास्त्र है। अनसॉल्व पेपर अगर आपने सॉल्व कर दिया पूरा 10 से 15 साल का ना, तो समझ ले अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है। उसके अलावा है कॉन्फिडेंट बिल्डअप, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होपलेस हो जाते हैं। अरे यार मैं क्या करूंगा, एग्जाम कैसे होगा, मेरे को ये आता था भूल गया, टेस्ट पेपर देते कम मार्क्स आ गया तो टेंशन में, अरे मैं तो फेल हो जाता। आप वहां के टेस्ट मार्क्स में फेल हुए, नहीं कि आपके मेन एग्जाम में फेल हो। फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, और वो अनसॉल्व पेपर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हैं और वो कॉन्फिडेंट आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं, जहां पे चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं और आप चीजों को समझ पाते हो कि कैसे मुझे आगे जाना है और कैसे जेई को एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और एक चीज और मैं बताना हूँ, रेगुलरिटी, मतलब रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को क्रैक करने के लिए रेगुलर स्टडी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर रेगुलर स्टडी आप नहीं करोगे तो रेगुलर स्टडी नहीं करते हो तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देती है। तो रेगुलर स्टडी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो रेगुलर स्टडी पे ध्यान दीजिए और रेगुलर स्टडी जरूर करिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो वहां से आपको एक तो होगा कि हर चीजें रिवाइज होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी, और एग्जाम के टाइम में एक बैक लोड नहीं बढ़ेगा आपके माइंड पे। तो ये जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, अगर आप यूटिलाइज करते हो तो 100 नहीं 200% 2020 में आपको जूनियर इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ वीडियोस होती हैं जो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग जाने, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप करें और लाइफ में आगे बढ़े। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।